दोस्तों फाइनली जियो ने अनाउंस कर दिया है उसका फीचर फोन, जिसका उन्होंने नाम दिया है इंडिया का स्मार्टफोन जियो फोन। तो ये फोन में आपको क्या फीचर्स मिलता है, इसके क्या प्लान है, ये फोन कितने रुपए का आएगा, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ जो है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस फ़ोन का फीचर आपको क्या मिलता है और इस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो दोस्तों इस अनाउंसमेंट के साथ जो है जियो फोन दुनिया का सबसे सस्ता 4G VoLTE फ़ोन बन चुका है, जिसमें 4G सपोर्ट मिलता है। इस फ़ोन में दोस्तों आपको सारे जो फीचर फ़ोन के बेसिक फीचर वो मिल जाते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, 2.4 इंच का इसका QVGA डिस्प्ले है, FM रेडियो, टॉर्च लाइट, हेडफोन जैक, SD कार्ड स्लॉट आपको मिलेगा, प्लस आपको इसमें 4-वे नेविगेशन सिस्टम मिलता है, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और जियो ऐप जो है आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिलेंगी। तो दोस्तों जियो ऐप जो है लाइक जियो सिनेमा, जियो मनी, जियो म्यूज़िक, जियो TV, ये सब आपको जो है इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दोस्तों वो आपको मिलेगा 512 MB का, इसमें आपको रैम मिलेगा, 2000 mAh का बैटरी है, 4GB आपको इंटरनल मेमोरी मिलेगी और जो डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताया 2.4 QVGA डिस्प्ले इसमें मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है आपको वॉइस कमांड सपोर्ट मिलता है, प्लस इसमें कुछ इमरजेंसी फीचर हैं, जैसे कि इसमें जो 5 नंबर का बटन है अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जो आपका लोकेशन और प्रीसेव नंबर पे या फिर पुलिस पे जो है इमरजेंसी के टाइम पे वो मैसेज चला जाएगा, एक वो आपको पैनिक बटन टाइप का जो है इसमें मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साथ लॉन्च हुए प्लान की। तो जैसे आप ये फ़ोन लेते हैं तो इसके साथ आप जो है पर मंथ 153 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड SMS, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। लेकिन जो डेटा का वैलिडिटी है, मतलब जो लिमिट है, हर दिन का आप 500 MB डेटा जो है 4G स्पीड से यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें दो शैशे पैक मिल जाते हैं, एक 54 रुपीज़ का जो कि पूरे हफ्ते भर का वैलिडिटी मिलता है, और एक 24 रुपीज़ का जिसमें आपको 2 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन को दोस्तों आप TV से भी कनेक्ट कर पाएंगे केबल के थ्रू, जिसके लिए आपको जो जियो दंदनादन के एग्जिस्टिंग प्लान हैं वो लेने होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं इस फ़ोन के प्राइस पे, जो कि इसका मेन फीचर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग मतलब इसके लीक्स आ रहे थे कि फ़ोन 500 का होगा, 400 का होगा, 1000 रुपये का होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये इस फ़ोन का जो कीमत है, एक्चुअली एक फ़ोन जो है फ्री में है, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पे करना होता है 1500 रुपीज़, जो कि अगर आप फ़ोन को 3 साल यूज़ करते हैं और 3 साल के बाद अगर आप फ़ोन को वापस करते हैं तो ये जो 1500 रुपीज़ है वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो इसका जो कॉस्ट है इफेक्टिवली फ्री हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि फ़ोन जो है कब से अवेलेबल हो जाएगा यूज़र्स के लिए। तो जैसे कि मतलब AGM जो मीटिंग हुई थी आज रिलायंस जियो की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि ये फ़ोन जो है 15 अगस्त से कुछ सिलेक्टेड यूज़र्स के लिए अवेलेबल होंगे फॉर टेस्टिंग, लाइक उनके शायद हो सकता है वो जियो के जो एम्प्लॉइज़ हैं या रिलायंस के एम्प्लॉइज़ हैं उनको वो दे दें। उसके अलावा जो यूज़र्स के लिए अवेलेबल ऐसा रहेगा कि 24 अगस्त से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप 24 अगस्त के बाद जो है 1500 रुपये देकर इसको प्री बुक कर सकते हैं। आप जियो के ऐप यूज़ कर सकते हैं प्री बुक करने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स में आप प्री बुक कर सकते हैं, और आपको वहाँ से कोई पर्टिकुलर कोड या कोई स्लिप टाइप का मिल जाएगा। और ये फ़ोन जो है सेप्टेम्बर में लॉन्च होगा, तो जिन लोगों ने भी प्री बुक किया हुआ ये फ़ोन सिर्फ उनको ही सेप्टेम्बर में मिलेगा, बाकी लोगों को ये फ़ोन नहीं मिल पाएगा, तो आपको ये प्री बुक करना ज़रूरी है। दोस्तों एक कॉमन FAQ जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि क्या इस फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट मिलेगा, तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं मिलने वाला है। ये फ़ोन जो है एक फ़ीचर फ़ोन है, बेसिक फ़ोन है, आप इसको एज अ फीचर फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं, और फीचर फ़ोन से भी थोड़ा ऊपर है बोल सकते हैं, स्मार्टफोन से नीचे और फीचर फ़ोन से ऊपर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो आपको डिजिटलाइज ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ गुड टू नो इन्फो, कुछ रिव्यूज़ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।